एक बॉल 320 का। कितने का? 320 का। ये फर्स्ट टाइम लाहौर में जो है ना, फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया है और इसके अलावा किसी ने नहीं स्टार्ट किया। ये ईरानी डिश है, चिल्लू के मैनी होते हैं चावल और रोस्ट के मैनी रोस्ट। इसमें 22 से 25 मसाले तैयार होते हैं। इमली आलू बुखारे की चटनी होगी जो हम स्पेशल तैयार करते हैं। 1 2 3 I don't know who else to be. 4 5 6 like they say I can't be fixed. 1 2 3 your attention's all I need. 4 5 6 don't let it slip. अस्सलाम वालेकुम, एन टीवी के साथ मैं हूं निमरा अली और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताना चाहती हूं जो शायद ही आप लोगों ने सुनी हो। आप लोगों ने सच्ची तो आम चीज है, आम चीज तो हर बंदे को पता होती है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जिसको कहते हैं चुल्लू। आपने वो सुना तो होगा, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, चुल्लू भर पानी में तुम्हें नसीब ना हो, चुल्लू ये चुल्लू वो, चुल्लू निकनेम भी होता है, छोटे बच्चों को चुल्लू कहते हैं और चिल करो चुल मारो ऐसे भी बातें होती हैं। लेकिन चुल्लू जैसे एक सज्जी है, ये सज्जी की छोटी बहन है चुल्लू। ये है इस वक्त हम अल खैर खड्डा चुल्लू रोस्ट के सामने खड़े हैं, बल्कि मैं इसके नीचे खड़ी हुई हूँ और इनके पास बहुत ही लज्जतदार किस्म की डिशेज हैं। मछली है, रोस्ट मछली है, बिरयानी है, चावल है, यानी अलग अलग किस्म की डिशे हैं। लेकिन आज मैं जो खाने आई हूँ वो है अल खैर खड्डा चुल्लू रोस्ट। अच्छा मुझे ये बताएं, इस शॉप को ओपन हुए कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 13 साल हो चुके हैं। 13 साल हो चुके जी जी। तो ये जो इसका नाम है चुल्लू रोस्ट, अल खैर खड्डा चुल्लू रोस्ट, इसका नाम ये ऐसा क्यों है? ये एक ईरानी डिश है, इसलिए इसको खड़ा बोला जाता है। क्या कहते हैं? ईरानी डिश है ये। हाँ जी। ईरान में इसका नाम है, चुल्लू को बोलते हैं, चावल को बोलते हैं ईरान में। जी जी, चुल्लू चावल को बोलते हैं, यानी चावलों में डूबा हुआ रोस्ट। जी जी ऐसे बोलते ऐसे ही है। जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं इसके अंदर क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं? इसके अंदर बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे काली मिर्च है, बादजाने का तई है, जीरा है और रेड मिर्च है, हरी मिर्च है, जीरा होता है, राइस होते हैं। लेकिन इसमें और भी काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं लोग जिक्र में। हाँ, मसाला जार, मसाला जार, काफ़ी मसाला जार, कम बेश इसमें 22 से 25 मसाला जार तैयार होते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं आप इसमें चावल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अक्सर हम कहीं खाने जाते हैं ना उसमें चावल को जो वो कम वो है ना, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, सिर्फ चावलों की वजह से अक्सर सब्जियाँ वगैरह जो वो मार खा जाती हैं। तो चावल आप इसमें कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें सुपर कर्नल चावल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? सुपर बासमती। सुपर बासमती, बासमती राइस यूज कर रहे हैं। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि ये बनता किस तरीके से, क्योंकि सज्जी से ये थोड़ा अलग है ना, ये सज्जी की तरह ही है? ये सज्जी से ये सेपरेट है, वो कोलों में तैयार की जाती है। इसको हम पहले हाफ स्टीम करते हैं, हाफ रोस्ट करते हैं ऑयल में, उसके बाद इसको स्टीम पे लगाते हैं, इसके बाद ये तैयार होते हैं। तो बनाएं किस तरह बनाएंगे? जी जी बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं? बाउल लेंगे, जो हमारा अपना बर्तन होता है बाउल लेते हैं। तो ये बाउल में ही देते हैं, प्लेट में नहीं देते? जी हम इसको बाउल में देते हैं, क्योंकि ये हाँ जी इसमें पीस होता है, प्लेट में राइस नहीं आता, हमारा बड़ा पीस होता है, इसलिए ये बाउल में ठीक रहता है, स्टीम किया जाता है। हाँ जी, और नीचे वाले में भी यही है? नीचे वाले में पानी होता है। अच्छा, ताकि पानी की भाप से। जी जी। अब ये पुलाव डाल रहे हैं? जी जी, मैं पुलाव डाल रहा हूँ। ये हमारी क्वांटिटी होती है। अब उसके बाद क्या करना है? इसके साथ हमारी होगी रायता होगा और इमली आलू बुखारे की चटनी होगी जो हम स्पेशल तैयार करते हैं, इसका मसाला हम खुद तैयार करते हैं। ठीक है, अलग होगा, इसके ऊपर नहीं डालेगा? नहीं, वो सेपरेट डाल के देंगे। सेपरेट डाल के? अभी ये कंप्लीट हो गया। ये कौन सा मसाला है? ये इसका स्पेशल मसाला हम खुद तैयार करते हैं। नहीं, क्या क्या डाल के बना हुआ ये तो पूछ रही हूँ। इसमें होता है आमचूर्ण होता है और इसमें काली मिर्च होती है, जीरा होता है पिसा हुआ, बादजाने का तई पिसा हुआ और जाफर जलोतरी पिसी हुई होती है। तो बनाते हैं आप? जी जी, हम खुद तैयार करते हैं। तो एक यानी ये तो आपने बना दिया, इसमें तो 5 मिनट भी नहीं लगे, उसको इनको अलग और इसको अलग बनाने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में स्टीम हो जाती है? जी जी, 1.5 घंटे में तैयार हो जाती है सारी? जी जी, सारा तैयार हो जाता है। ये कौन सी चटनी है? इमली आलू बुखारे की चटनी होती है, ये हम खुद तैयार करते हैं इसको। इमली और आलू बुखारे की चटनी होती है, इसके साथ हमारा दही का रायता, इधर जीरे वाला। और ये दो चीज़ों के साथ आप सब्जी रेडी हो जाती है, सलाद वगैरह? इसके साथ सलाद नहीं होता। इसके साथ सलाद नहीं होती, ठीक है। और ये कितने की है एक बाउल? 320 का। कितने का? 320 का। बस आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग इतना ज्यादा बिजी हैं कि वो उनसे बात भी नहीं कर सकते। आप मेरा ये ख्याल है कि बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस में, क्योंकि हम आम बिरयानी भी लें ना तो वो आजकल 150 160 में मिलती है और उसके
वो बिरयानी आम सी बिरयानी होती है, उस पर इतनी कोई खास मेहनत भी नहीं होती, इकट्ठी बन जाती है। लेकिन ये है चुल्लू रोस्ट, यानी कि रोस्ट में डूबा हुआ चावल, या यानी जो भी आप कह लें चुल्लू में डूबा हुआ रोस्ट, तो ये वो है। लेकिन ये सिर्फ 320 रुपए का ये बाउल है, जिसके अंदर मेरे जैसे तीन लोग आराम से खा सकते हैं, सुकून से खा सकते हैं। है तो ये एक बंदे के, लेकिन इसके अंदर तीन लोग आराम से खा सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो चावलों की क्या क्वांटिटी है, यानी वो एक बाउल 320 रुपए में जो बाउल मिलता है वो उसमें क्या क्या है? उसके अंदर एक चेस्ट का पीस है जो अच्छा खासा बड़ा है, और ये जो चावलों का है वो उनकी एक प्याली सी है, वो तीन चार डालेंगे तो फिर आपका एक बाउल बनेगा जो कि बहुत हैवी किस्म का बन जाएगा। फिर उसके ऊपर आप मसाले डालेंगे, साथ आलू और इमली बुखारे की मीठी चटनी, और साथ ही मज़ेदार किस्म का दही का रायता। तो बगैर किसी को इंतज़ार करवाते हुए मैं ये टेस्ट करूँगी और बताऊँगी कि इनके हाथ में कितना ज़ायका है। ठीक है, खाएँ इधर। अब जिसको कहते हैं सब्जी, जो कि सिंध में बहुत ही ज़्यादा बनने वाली है, लोग बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, बकरे में भी खाते हैं, उसमें भी खाते हैं, मुर्गी में भी खाते हैं। लेकिन ये जो है, ये चुल्लू उसकी छोटी बहन है, यानी है उसी की तरह का, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो हम इसको खाएँगे और मैं बताऊँगी कि ये कैसा बना। तो शुरू करते हैं। पहले इसके ऊपर जो मसाला है उसको मिक्स करूंगी ताकि वो सब में मिक्स हो जाए, वरना तो एक ही जगह पर मुझे मसाला आएगा, बाकी तो कहीं आएगा। मैंने अपने हिसाब से पहले इसको तोड़ा ताकि मैं आराम से खा सकूं। चिकन के अलग अलग पीसेस मैंने करके रख लिए, चावलों को मिक्स कर लिया। तो अब हम रायता, मीठी चटनी को मिक्स कर, इंतहाई मजे का और मेरे मतलब का। मुझे ना इसकी शक्ल देख के लग रहा था कि ये फीका फीका होगा, मुझे इसकी शक्ल देख के लग रहा था कि ये बहुत ही फीका फीका सा होगा, लेकिन हरगिज फीका नहीं है, फुल मसाले वाला मेरे तरीके का, बहुत मजे का है। और चटनी और इसमें चार चांद लग गए। 1 2 3 I don't know who else to be. 4 5 6 like they say I can't be fixed. 1 2 3 your attention's all I need. 4 5 6 don't let it slip. 1 2 3 I don't know who else to be. 4 5 6 like they say I can't be fixed. 1 2 3 your attention's all I need. 4 5 6 don't let it slip. मैं एनडीवी के बहुत गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये काम सौंपा है, क्योंकि मैं खाने की इंतहाई शौकीन हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। ये अलग बात है कि मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, यानी खा पाती हूँ, कहने को मुझे बहुत भूख लगी हो तो मैं थोड़ा सा खाती हूँ। लेकिन थैंक यू टू एनटीवी कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं खाना खाऊँ। मैंने अपनी सब्जी पूरी खाई है क्योंकि वो बहुत मजे की थी, स्टीम तो मुझे वैसे बहुत ज्यादा पसंद है, और ये चावल की क्वालिटी इंतहाई अच्छी है। इंसान सज्जी वज्जी भूल जाए, सज्जी और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। सज्जी एक अलग डिश है, ये एक अलग डिश है, लेकिन उसकी छोटी बहन जरूर है। बहुत मजे की है, मुझे बहुत मजे की लगी है। साथ उन्होंने
अगर आपने वैसे खानी है आप वैसे खा लें, चटनी दही रायता ईच एंड एवरीथिंग आपके पास है, आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी खाएं। और मेरी बोतल तो मेरी जान है, मैंने पूरी खत्म की है। तो आप अंकल के पास जाते हैं, पूछते हैं और उनको तारीफ करके आते हैं उनके हाथ में जाता। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो चिल्लू रोस्ट का आइडिया है ये कहाँ से आया था? ये ईरानी डिश है, चिल्लू के मैनी होते हैं चावल और रोस्ट के मैनी रोस्ट पाक। ये ईरानी डिश है और ईरान से मेरे यानी को ओनर ने डिसाइड किया, उधर से ये सारा रेसिपी वगैरह कुछ किया। तो ये स्टार्ट आपने ही किया था? जी, ये फर्स्ट टाइम लाहौर में जो है ना, फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया है और इसके अलावा किसी ने स्टार्ट किया। क्योंकि लाहौर में जब ज्यादा सब्जी चलती है, सब्जी का ज्यादा होता है, तो मैंने भी यहाँ पर ही सुना, इसके अलावा मैंने कभी सुना नहीं था। तो मैंने सोचा कि अगर ये ना ट्राई किया तो फिर क्या ट्राई किया। तो मुझे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आया है, ऑनर भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ का खाना बनाने वाला शेफ भी बहुत अच्छा है और सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लगा अलखैर खट्टा चिल्लू रोस्ट, जो आपको बहुत ज्यादा मजे का था, मुझे बहुत पसंद आया। मसाला भी था, रायता भी था, चटनी भी थी। तो आप भी आए, अपने घर वालों को भी लेकर आए और इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आया होगा। तो मेरा फूड व्लॉग यहाँ पर होता है एंड, और थैंक्स टू एनटीवी को उन्होंने हमें परमिशन दी कि जाओ चिल्लू रोस्ट खाओ, और थैंक्स टू इनका कि इन्होंने हमें परमिशन दी आओ और खाओ। तो हम दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी मेज़बान निमरा अली को दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।